संरक्षण के लिए। कुछ लोग ये मान सकते हैं कि कभी मान लो भारत के अंदर सरकार बदले, आज बहुत से लोग ये मानते हैं कि केंद्र सरकार अंबानी अडानी ये दोनों चीजें एक साथ विपक्ष लेता है, ठीक है। कभी मान लो कि भविष्य में सरकारें परिवर्तित हो जाए तो क्या अचानक अडानी जीरो हो जाएगा, यानी उसकी जो इतनी सारी फैक्ट्रियां इतने सारे एयरपोर्ट वो सब हटा से छीन लिए जाएंगे, लेकिन लोगों को क्या लगेगा? और अब जो दूसरी सरकार आएगी वो सरकार देखना इसकी सारी जांच बिठा देगी। थोड़ा सा इस समय पर इतिहास उठा के देखना चाहिए। याद है आपको जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे लेटर्स ऐसे निकाल के दिखाए थे कि यदि मैं दिल्ली का सीएम बन गया तो मैं अंबानी के खिलाफ ये जानकारी बिठा दूंगा, मैं शीला दीक्षित के खिलाफ ये कर दूंगा। वो हर दिन कागज हाथ में लिए हुए घूमते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वही दिल्ली है और वही अंबानी है, और अंबानी और बड़ा आदमी बन गया, वो वहां सीएम बन गए, आप लोगों को लग गया कि हमारा तो अप्रैल फूल बन गया। किसके ऊपर क्या जानकारी बिठाएगी सरकारें आपको? ये जो तरीके है ना, ये जब नहीं थे, मैं अगेन वही बोलूंगा, अंबानी अडानी आज के नहीं है, उन्होंने ना जाने कितने प्रकार की सरकारें देख ली हैं, वो यूपीए सरकार भी देख चुके हैं। वो आपका अटेंशन चाहने के लिए राजनेता क्या बोलता है आप उससे प्रभावित हैं, लेकिन ये थोड़ी अंबानी अडानी एनडीए गवर्नमेंट में पैदा हुए थे भाई साहब, इनने यूपीए गवर्नमेंट भी देखी है तो इन्हें नरसिम्हा राव की सरकार भी देखी है, तो ये बहुत पुराने लोग हैं। इस तरह से हम लोग भावनाओं में प्रेरित हो जाते हैं, सरकार बदल गई अब तो ये खट से खत्म।